बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल है? उम्मीद है सारे ठीक होंगे। अल्लाह ताला सारे अपने घर च खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। जिते व्यूवर्स, सेवियां तो सारे के घर बनदियां ने, ईद तो खास तौर पर बनदियां, तो लेकिन अज थानू एक बिल्कुल नवी रेसिपी दसांगे, बहुत ही आसान तो बहुत ही मज़े की रवायती तरीके के नाल। अज आप सेवियां नहीं बनावेंगे, ना ही शीर खुरमा वा ना ही फेनियाँ, लेकिन बहुत ही मज़े दियाँ सेवियां बनगियां। चलो देखते हैं आप इन्होंने किस तरह बनाया वा। थोड़ी वीडियो चंगी लगे तो लाइक तो शेयर जरूर करे जाए, चैनल पर नवे तो चैनल में सबसक्राइब करके जाया जाए, नाल बेल आइकन जरूर प्रेस कराई ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन थोड़े तक आसानी नाल पहुँच सके। बहुत ही मज़ेदार तो जबरदस्त जी सेवियां की रेसिपी थोड़े लिए अज लैके आए हैं। चलो हम आप रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले आप सवैया लै लिया, सवैया तुम कोशिश करनी है जीरो साइज़ लियो, बहुत बारीक सवई होनी चाहिए है, मोटी सवई के थोड़ी रेसिपी जी खराब हो जाएगी, सवई जी कच्ची रह सकती है अंदरों, तो फिर बिल्कुल भी खाने वाले मज़ा नहीं देगी। देख लो तुम इन्ना साइज़ तुम तोड़ना वा सवैया का, अच्छे तरीके तोड़ लो। आप सवैया तोड़ लिया वा तो ये हूँ शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून आप खुश्क दूध शामिल कर दिए हैं, तो 3 टेबल स्पून ही ये पिसी हुई चीनी शामिल कर दी, इनू करा मिक्स अच्छे तरीके बर्तन के तकरीबन 1.5 चम्मच घी का ले लिया वा, देसी घी लै लो, डालडा लै लो, जो मर्जी लै लो। तो घी जो गर्म हो गया वो आप सवैया जीडिया दूध तो चीनी के मिक्स करके रखी हुई वो शामिल कर देंगे। इन्हों की करा भुनाई, सवैया अच्छे तरीके रोस्ट कर लिया वा। तो हूँ इनू आप एक बर्तन लवेंगे, उद्दा अद्धिया सवैया जीडिया उन्होंने एक तह बिछा लेंगे अच्छे तरीके बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए है, कितों ज़्यादा या कितने कम नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके इस तरह चम्मच के नाल दबा के, तो कम तुम हाथ भी कर सकते हो जो आसानी नहीं लगती इस तरह चम्मच के नाल, तो हाथ के नाल भी दबा के इनू, तो एक सारा एक तरह तह बना लो ये। तो हूँ आप अगले स्टैप वाल चलते हैं, थोड़ा जहा दूध लाँगे, तो वो 2 चम्मच जड़े है ना ये पाए आ कस्टर्ड पाउडर, एक छोटा साशे जो हों शामिल किया वा, तो ये 1/2 लीटर दूध की रेसपी आई। जो दूध ज़्यादा इस्तेमाल करो तो फिर उस हिसाब न कस्टर्ड जरा वी इस्तेमाल कर लेना वा, कस्टर्ड पाउडर का मिक्स करा अच्छे तरीके, कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए ये। थोड़ी वीडियो चंकी लगी तो लाइक तो शेयर जरूर करे, चैनल पर नवे तो चैनल में सबसक्राइब करके जाया जाए, बैल आइकन जरूर प्रेस कराए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन थोड़े तक आसानी पहुँच सके। देखो बिल्कुल अच्छे तरीके नाल दिल ला के तुसी इनू मिक्स करना वा, ये कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए नहीं तो थोड़ी रेसिपी खराब हो जाएगी। चलो देखते हैं कि हम आप नैक्सट की काम करना वा। 1/2 लीटर दूध लै लिया वा, दूध में थोड़ा जहा बॉयल आन देंगे, दूध बॉयल होना शुरू हो गया वा, तुसी इस ईद पर इनू रेसिपी नू जरूर ट्राई करिया जे। वैसे भी मेहमान आ जाने या अफतारी में भी तुसी इनू बना सकते हो, दूध बॉयल हो रहा वा तो ये 2 छोटियां सब्ज़ इलायची शामिल कर दी वा, थोड़े को इलायची का पाउडर हो तो वह भी शामिल कर सकते हो। थोड़ा जहा इनू पकन देंगे दूध में, ताकि दूध थोड़ा जहा इसी तरह गाढ़ा हो जाए, क्योंकि दूध जो गाढ़ा हुंदा वा उहदे विच खोए मलाई का टेस्ट आप ही आ जाता वा, कोई ज़्यादा चीज़ा फिर आपां नू उहदे विच होर शामिल करन दी जरूरत नहीं हुंदी। तो चीनी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1/2 कप मैं चीनी का ये शामिल किया वा। तुसी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जे कम इस्तेमाल करना चाहो चीनी तो थोड़ी कम ही इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इन्नी क मेजरमेंट जी बिल्कुल परफेक्ट सी। तो यह जरा आप मिक्सचर तैयार करके रखा सी कस्टर्ड पाउडर वाला वो ये शामिल कर देंगे हूँ, तो नाले चम्मच चलाद चलाद शामिल करना वा, एक ही दफ़ा सारा मिक्सचर जरा वा ये शामिल नहीं कर देना, नहीं तो जिस तरह गर्म दूध दे जाएगा तो फौरन ही वो जो लम्स बन जाएंगे। तो इस टेंशन तो बचने लिए तुम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ये पोर करना वा। तो देखो माशाल्लाह कंसिस्टेंसी चेक कर लो, यदि इन्नी की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए है। साफ कर लो साइडा तो, क्योंकि साइडा तो जरा दूध लगा हुआ वो भी एक खास किस्म का टेस्ट आ जाता, क्योंकि वह कड़िया हुआ हों साइडा पर। हम नैक्सट स्टैप आप करा कि जड़िया आप सवैया की तह बना के रखी सी उसके उपर आप जरा कस्टर्ड बनाया वा वो उपर पा देंगे अच्छे तरीके दे नाल, फैला देंगे इनू कितों भी साइडा तो करना खाली नहीं सवैया रहनिया चाहिए। ये सारा कस्टर्ड जरा बनाया वा सारा ही ये उपर तुम पा देना वा। तो हूँ जड़िया सवैया अद्धिया बचाइया सगिया सवैया उन्होंने आप गार्निश कर देंगे।
सवैया के नाल गार्निश करन तो बाद बादाम पिस्ते बारीक कट के उपर तुसी ला दिओ। तो देखो इनू ठंडा करांगे तकरीबन 2 घंटे इनू फ्रिज रखे, उस तो बाद इहदी कटिंग करांगे। देखो माशाला माशाला जबरदस्त जिहा डिजर्ट अपना तैयार आ। ए देखो नवाबी सवैया की रैसपी अपनी बिल्कुल तैयार आ, बहुत ही मज़े दी ते लाजवाब। बाकी सवैया की रैसपी नालों एक मुनफरिद रैसपी है, जरूर इन तुसी ट्राई करिया जे। थोड़ी रैसपी किस तरह की बनी दस्या जे भी जरूर। वीडियो चंगी लगे तो लाइक तो शेयर जरूर करा जाए, चैनल पर नवे तो चैनल सबसक्राइब करके जाया जाए, नाल बैल आइकन जरूर प्रेस कराए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन थोड़े तक आसानी पहुँच सके। देखो माशाला माशाला बहुत ही जबरदस्त बहुत ही टेस्टी रैसपी बन के अपनी तैयार हुई है, ईद वास्ते परफेक्ट मीठा वा। मिलते हैं किसी नैक्सट वीडियो, उद तक लिए अल्लाह हाफिज़।